अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बिहार की राजधानी पटना में राजीव नगर थाने में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही हैं। राजीव नगर के कार्यकारी थाना प्रभारी योगेंद्र रविदास ने BBC से कहा कि रिया के खिलाफ FIR सुशांत के पिता KK सिंह ने दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि यह FIR 25 जुलाई को ही दर्ज कराई गई थी। योगेंद्र ने कहा कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने FIR में पैसा ऐंठने और आत्महत्या के लिए उकसाने की बात कही है। खबर है कि पटना से पुलिस की एक टीम मुंबई भी गई है। समाचार एजेंसी ANI से पटना सेंट्रल जोन के IG संजय सिंह ने भी FIR की पुष्टि की है। 14 जून को सुशांत सिंह अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे। पुलिस का कहना था कि सुशांत ने आत्महत्या की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया उन लोगों में शामिल थी जिनसे मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी। अभिनेता शेखर सुमन इस पूरे मामले में काफी मुखर रहे हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि सुशांत के परिवार वालों ने रिया के खिलाफ सेक्शन 306 आत्महत्या के लिए उकसाने और 340, 342 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। शेखर सुमन ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से पूरे मामले की जाँच CBI से कराने की मांग की थी। रिया ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, सर मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हूँ। सुशांत की मौत को एक महीना गुजर चुका है। मुझे सरकार में पूरा भरोसा है। मैं चाहती हूं कि इस मामले में इंसाफ सुनिश्चित हो, इसलिए इसकी जांच CBI से कराई जाए। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि सुशांत ने किस दबाव में इतना बड़ा कदम उठाया। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने 27 जुलाई को इंस्टाग्राम पर अपने भाई को याद करते हुए 2 पोस्ट की थी। इसमें से एक पोस्ट में श्वेता ने व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। यह चैट सुशांत की मौत के महज 4 दिन पहले का है। श्वेता ने 2 टुकड़ों में पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। पहले अंश में उन्होंने सुशांत की बचपन की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, मुझे हमेशा मेरे परिवार ने बताया कि मेरे माता पिता एक बेटा चाहते थे। मेरी माँ की पहली संतान बेटा ही था, लेकिन 1.5 साल की उम्र में ही उसका निधन हो गया। मैं कभी भी अपने पहले भाई से नहीं मिल सकी, लेकिन माँ पापा दूसरे बेटे को लेकर काफी आशावान थे। उन्होंने मन्नतें मांगी और 2 साल लगातार माँ भगवती की आराधना की। उन्होंने व्रत रखे, साधना की, पूजा की, हवन किए और धार्मिक जगहों पर भी गए और धार्मिक लोगों से भी मिले, लेकिन दिवाली के दिन मैं पैदा हो गई। माँ मुझे हमेशा बहुत भाग्यशाली मानती थी और कई बार लक्ष्मी कहकर पुकारती थी, लेकिन उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी और 1 साल बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ और वो शुरू से ही चार्मिंग था। श्वेता ने इस नोट से आगे अपने और अपने भाई की स्ट्रांग बॉन्डिंग का जिक्र किया है कि कैसे वो दोनों हमेशा साथ रहे। इस पोस्ट में उन्होंने सुशांत के साथ व्हाट्सएप पर हुई बात का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। ये चैट 9-10 जून की है। श्वेता ने इस चैट में लिखा है कि वो सुशांत को और अपनी बड़ी बहन रानी को अपने घर अमरीका बुला रही हैं। वो लिखती हैं कि तुम और रानी दी यहाँ आ जाओ। इसके जवाब में सुशांत लिखते हैं, बहुत मन करता है दी। इस चैट के 4 दिन बाद ही खबर आई कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह मौत का एक महीना गुजरने पर इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट की थी। रिया ने लिखा था, अभी तक अपने जज्बातों पर काबू पाने के लिए जूझ रही हूँ, खुद से लड़ रही हूँ। मेरे दिल में एक सूनापन आ गया है। तुम वो हो जिसने मुझे प्यार पर और प्यार की ताकत पर भरोसा करना सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे गणित का एक छोटा सा फार्मूला जिंदगी को समझने में मदद करता है। मैंने तुमसे हर दिन सीखा है। मैं कभी ये बात नहीं मान पाऊंगी कि तुम अब यहाँ नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम अब ज्यादा सुकून की जिंदगी जी रहे हो। रिया ने लिखा, चांद, तारे, आकाश गंगाएं इस वैज्ञानिक का खुली बाहों से स्वागत कर रही होंगी। अब तुम भी उन चमकते सितारों में से एक हो। मेरे शूटिंग स्टार, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और दुआ मांगूंगी कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। एक सुंदर इंसान जैसा हो सकता है तुम वैसे ही थे, वो सबसे बड़ा अजूबा जो दुनिया ने देखा। मेरे शब्द तुम्हारे प्रति मेरे प्यार को व्यक्त करने में असमर्थ हैं और मेरे ख्याल से तुम्हारा मतलब भी यही था जब तुमने कहा था कि हमारा प्यार हम दोनों से परे है। तुमने हर चीज से खुले दिल से प्यार किया और अब तुमने मुझे दिखा दिया कि हमारा प्यार वाकई में कई गुना है। सुकून में रहना सुशी, तुम्हें खोए 30 दिन हुए हैं, लेकिन तुम्हें ताउम्र प्यार करूंगी, हमेशा तुमसे जुड़कर, अनंत और उससे भी परे। सुशांत की मौत पर अब तक परिवार वाले चुप ही रहे थे। परिवार की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया था। ये पहली बार है कि जब परिवार की तरफ से सुशांत की मौत के मामले में कोई बड़ा कदम उठाया गया है।